अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मुझे कॉलेज जाना है। मेरा लास्ट ईयर का एक एग्ज़ाम जो था वो बैक था, तो पूरा 1 ईयर के बाद मैं आज कॉलेज जा रही हूँ वो एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पे जो है मुझे मम्मा गुड़ वाला डोसा बना के दे रही है, मेरा फेवरेट है। और इसकी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसका अलग से मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया हुआ है, चाहे तो आप उधर भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और सुबह सुबह में तो वाह क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये ऑलरेडी मीठा है क्योंकि जागरी से बनता है ना, बट मैं इसके ऊपर घी सब डाल के ना शुगर भी डाल देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। शुगर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके। मैं ऑलरेडी कॉलेज के लिए रेडी हो गई थी पहले ही, और जैन भी उठा हुआ है, बहुत ही सता रहा है। और यहाँ पे जो है मैं मेरा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ आराम से, मिलूँगी आपको सीधा कॉलेज ही। तो अभी मैं इधर कॉलेज आ गई हूँ, ये मेरा कॉलेज है। तो अभी अंदर से और क्लासेस वगैरह सब मैं नहीं दिखा सकूँगी, फ़ोन अलाउड नहीं है। चलो मैं जा रही हूँ अंदर, आपको मिलती हूँ 2 आवर्स बाद। मैं मेरा पेपर देकर आ गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। इधर मैं मोहम्मद का वेट कर रही हूँ। मुझे मरियम की बहुत टेंशन होती है, मेरी मरियम बहुत छोटी है, सिर्फ 45 डेज़ की है। जैन माशाल्लाह 16 मंथ का है, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो वैसे भी मेरी मम्मी का ही है। ही इज़ वेरी मच अटैच टू हिज नानी। ये मेरे डैड हैं। मैं घर आ गई हूँ, मैं फ्रेश सब हो गई। यहाँ पे जैन धको बहुत अच्छे से रेडी हुआ है, और रिहाम भी घर आई हुई है। मरियम जो है वो सो रही है, और मेरी मम्मी ना लंच की प्रिपरेशन कर रही है। आज लंच में फ़िश करी होगा, फ़िश फ्राई होगा, पापड़ होगा, बहुत ही मज़े मज़े का होगा। और जो मेरी मम्मी के हाथ में वो लजीज है ना, जो हाथ का खाना है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं जब दुबई गई थी ना, सबसे ज़्यादा मैंने मम्मी का हाथ का खाना मिस किया हुआ था। और आज जो फ़िश करी बन रही है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे जैन पापा के साथ मस्ती कर रहा है, और ये रेड वाला जो टॉय है ना, उससे सबसे ज़्यादा पसंद है। इतने सारे टॉयज़ रहेंगे ना, फिर भी वो वही ही लेगा। और इधर मोहम्मद जो है अनबॉक्सिंग कर रहा है, US पोलो का शू ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा है, नॉट बैड, उतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है। अभी ये फ़िश करी की रेसिपी है, तो यहाँ पे जो है 1 स्पून धनिया और 1/2 टेबल स्पून जीरा 1 मिनट रोस्ट कीजिए, और 8 to 10 रेड ड्राई चिल्ली को भी रोस्ट कीजिए। और लहसुन की कली 5 आदद, और छोटा सा प्याज का टुकड़ा, और ग्रेटेड 1 कोकोनट, ये सब मिक्स करके ग्राइंड कीजिए। यहाँ पे जो है हेल्दी में ऐड कर रही हूँ, मिक्सर में बारीक नहीं हो रहा था इसीलिए आप ग्राइंडर में पीस रहे हैं। तो ये जो फ़िश का मसाला बारीक हो गया, ये फ़िश को जो है फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जो है इमली भी खा कर रखा हुआ है, और इधर फ़िश को ना पहले सॉल्ट और लेमन लगाकर थोड़ी देर तक मैरिनेट कर रही हूँ।
और ये रेडीमेड मसाला है फ़िश फ्राई के लिए। ये मसाला अप्लाई करके 1 आवर तक छोड़ देंगे। ज़्यादा टाइम मैरिनेशन करेंगे तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। अभी फ़िश करी के लिए ना इधर 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड, 1/2 टेबलस्पून जीरा और करी लीव्स ऐड कीजिए। लहसुन को मैं इधर कूट कर ऐड कर रही हूँ। ये जो पीसा हुआ मसाला था जो है उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है इमली का पानी ऐड कर रही हूँ जो भिगा कर रखा हुआ था। सॉल्ट ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो बॉईल आने के बाद फिश ऐड कीजिए और यहाँ हैंडफुल ऑफ धनिया ऐड कर रही हूँ। 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे सूजी ऐड कर रही हूँ फ़िश के ऊपर। और ये क्यूकम्बर पिकल है, थोड़ा सा सिरका ऐड कर दूँगी और लाल मिर्च और नमक भी, सॉल्ट भी। यहाँ पे जो है खाना भी रेडी है, राइस भी रेडी हो गए हैं, ये फ़िश भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई। अभी पापड़ के बिना तो खाना तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, लंच तो इनकम्प्लीट है पापड़ के बिना। तो ये ताज का लंच, माशाल्लाह। फाइनली हमारा शूटिंग स्टैंड, शूटिंग वो वाला रिंग सब आ गया। अभी अभी आया हुआ पार्सल है, मोहम्मद अनबॉक्सिंग कर रहा है। ये एक बैग में आ गया था। ये सिर्फ फ़ोन स्टैंड है, इसमें रिंग लाइट नहीं है। रिंग लाइट का अलग स्टैंड हमने ऑर्डर किया है। ये जो बैग है ना बहुत अच्छा है, आप लोग किधर भी कैरी कर सकते हैं। और इधर जैन को देख ही रहे हो आप, उसके पीछे लगा हुआ था। और इस स्टैंड की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ज़्यादा टाइम तक चल सकता है। और इधर रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग कर रहा है मोहम्मद। ये वाला रिंग लाइट 26 सेंटीमीटर कुछ लॉन्ग है। ये देखो क्या कर रहा है, जैन लेके जा रहा है, भारी लेके जा रहा है। ये रिंग लाइट का स्टैंड है, देखो जैन कैसे भाग गया। पापा आ गए थे ना, तो पापा जो भी लाते हैं ना सबसे पहले इसके हाथ में ही देते हैं, नहीं देंगे ना तो खींच के ले लेता है। तो इधर ना वाटरमेलन लेके आए थे पापा, देखो ले लिया है उसने पापा के हाथ से और खेल रहा था। ये राइट वाला फ़ोन स्टैंड और वो जो है रिंग स्टैंड। देखो फ़ोन स्टैंड जो है बहुत ही अच्छा है, ओवरहेड हो जाता है, रोटेशन भी बहुत अच्छा है, पूरा 360 एंगल रोटेट हो जाएगा। रिंग लाइट भी काफ़ी अच्छी थी। थ्री डिफरेंट लाइट का कुछ ऑप्शन है, एक है ब्राइट येलो, एक है मीडियम वाइट और एक है ब्राइट वाइट, ऐसा कुछ। वेरी नाइस। रिंग लाइट की क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, वो स्टैंड वाली क्वालिटी सब उतना अच्छा नहीं था, बट ठीक है आप काम चला सकते हैं। तो इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।